दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों में वरदान साबित होता दिख रहा है। मेरे कमेंट सेक्शन से लेकर ईमेल तक में जो सबसे कॉमन क्वेरीज है कि हम कैसे अपने बिजनेस के लिए रियलिस्टिक एआई इन्फ्लुएंसर क्रिएट करें, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, लोगो डिजाइन करना, इन्फ्लुएंसर क्रिएट कर पैसा कमाना और भी बहुत सारे डिमांड्स होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको हम देंगे। और एक चीज जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि इस चैनल को चीर के सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें द एआई लर्निंग। तो दोस्तों ऐसे ही एक एआई टूल को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो है शेखर। इस टूल के सफर में आगे बढ़ने से पहले शेखर एआई के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं। तो ये एक एआई बेस्ड टेक्स्ट टू इमेज एंड इमेज टू इमेज जनरेशन टूल है जो एक स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल क्रिएट करता है जिससे प्रोडक्ट के पिक्चर क्वालिटी में चार चांद लग जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको क्रिएटिव डिजाइन, एनिमे, आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट, लोगो, रियलिस्टिक एआई इन्फ्लुएंसर की टॉप नॉच फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। साथ ही इससे कॉन्टेंट क्रिएटर पिक्चर शेयर कर अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस एआई टूल का एक्सेस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या shekhar.ai सर्च कर ले सकते हैं। देन यहाँ राइट कॉर्नर में लॉगिन पर क्लिक कर डिस्कॉर्ड या गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लें। यहाँ आपको मोर देन थाउजेंड्स मॉडल देखने को मिल जा रहे हैं जिनमें मेन कैटेगरी डिजाइन, एनिमे, प्रोडक्ट, लोगो और 3D है। बाकी यहाँ से आप अपने डिमांड्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। अब अगर आपको सच में अपने बिजनेस को ग्रो कर रेवेन्यू जनरेट करना है तो आपको लिटिल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ले चलते हैं शेखर एआई के मेंबरशिप प्लान की ओर, जहाँ आपको 200 टोकन पर डे फ्री में मिल जाता है जिससे आप लिमिटेड इमेजेस ही जनरेट कर सकते हैं। लेकिन कॉमर्शियल यूज के लिए $8 पर मंथ के हिसाब से बेसिक या $20 पर मंथ के हिसाब से एडवांस्ड प्लान को देख सकते हैं, जिसके एडवांस्ड प्लान में आपको 30,000 फास्ट टोकन, अनलिमिटेड एक्सेस टू मेंबर, एक्सक्लूसिव मॉडल, प्रीमियम फीचर्स और भी अपकमिंग सुविधाएं मिल जाती हैं। अब हमें हाई क्वालिटी में मॉडल जनरेट करना है। इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं SD3 बेस मॉडल, मीन्स स्टेबल डिफ्यूजन वर्जन 3.0। तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लें। स्टेबल डिफ्यूजन एक जनरेटिव AI है जिसे ग्लोबली 2022 में लॉन्च किया गया था। डिफ्यूजन मॉडल एक पिक्चर को इनकोड करने के लिए गॉसियन नॉइज का यूज करता है, देन रिवर्स डिफ्यूजन प्रोसेस से डीनॉइज कर हाई क्वालिटी में इमेज क्रिएट कर देता है। उसमें भी इसके वर्जन 3 में मल्टी ऑब्जेक्ट प्रॉम्प्ट, इमेज क्वालिटी और स्पेलिंग को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया गया है। तो अब इमेज जनरेट या एडिट करने के लिए यहाँ AI जनरेटर पर हिट करें। आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं उसे एज अ प्रॉम्प्ट यहाँ डिस्क्राइब करें। तो मैं एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट यहाँ लिख लिया। देन यहाँ नेगेटिव प्रॉम्प्ट में वो डिस्क्राइब करें जो आपको अपने इमेज में नहीं चाहिए होता है। अब आपको एक बेस मॉडल लेना है, तो यहाँ डिफॉल्ट मॉडल पर क्लिक कर SD3.0 को सेलेक्ट कर लिया। देन इनमें से एक फॉर्मेट चुने, तो मैं शेखर ऑफिशियल को सेलेक्ट कर लिया। अपने मॉडल की क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए एड लोरा पर क्लिक करें। इसमें भी SD3.0 को सिलेक्टेड रखें और इनमें से जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा हो उसे चुन लें। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लिया। यहाँ इमेज रेफरेंस से कोई पिक्चर के पोज को कॉपी कर सकते हैं। पैरामीटर में आप शीट नंबर कोई सा भी ले लें और उसे कहीं नोट कर लें जिससे मॉडल की कंसिस्टेंसी मेंटेन हो सके। फिर इमेज साइज चुनें, वन टाइम में कितने इमेजेस चाहते हैं वो सेट कर लें। फिलहाल मैं 2 लिया। अब लास्ट में 36 कॉइन के साथ जनरेट बटन पर हिट करें। थोड़ी देर वेट करना है, फिर रिजल्ट आपके सामने। तो है ना शानदार। इसे डाउनलोड करने के लिए इस आइकन पर क्लिक करें। अब अगर आप इस इमेज से सेटिस्फाइड नहीं है तो यहाँ वेरी पर क्लिक कर एक दूसरा इमेज क्रिएट कर लें। अब अगर आप इस मॉडल में कोई भी करेक्शन चाहते हैं तो यहाँ टॉप पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जा रहे हैं, जिसमें इनपेंट, अपस्केल, बैकग्राउंड रिमूव, ऑब्जेक्ट रिमूव, क्रॉप और आउटपेंट शामिल हैं। अगेन प्रॉम्प्ट चेंज कर एक दूसरा इमेज जनरेट कर लेते हैं। तो है ना ये सब तगड़ा, जिसकी इमेज क्वालिटी, डिटेल्स, एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो इस तरह आप अपने थॉट को टेक्स्ट टू इमेज में या फिर इमेज टू इमेज में एक शेप दे सकते हैं। इस इमेज को इस आइकन पर क्लिक कर पब्लिकली पब्लिश कर सकते हैं। अब अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर या AI लवर हो और आपको AI मॉडल क्रिएट करना अच्छा लगता है तो आपके लिए गुड न्यूज है। शेखर एआई पर एक SD3 बेस्ड इमेज कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें आपको स्टेबल डिफ्यूजन वर्जन 3 का यूज करके इमेज जनरेट कर पब्लिश करना है और आप जीत सकते हैं फर्स्ट प्राइस $2,000, सेकंड प्राइस $1,000, थर्ड $500 और अगर आपके इमेजेस पर अच्छे लाइक्स आते हैं तो आप $100 जीत सकते हैं। इस इवेंट्स के दौरान आपको एडिशनली 100 कॉइंस, मींस टोटल 300 कॉइंस फ्री में मिल रहा है। तो इस इवेंट को कैसे अंजाम देना है उसे समझ लेते हैं। तो इस इवेंट के दो थीम है। पहला टेक्स्ट टू इमेज, जिसमें मॉडर्न या ट्रेडिशनल आर्ट स्टाइल में इमेज जनरेट करना है। एग्जांपल के तौर पर इनके प्रॉम्प्ट और सेटिंग्स को देख सकते हैं जिसे ऑफिशियली शेखर एआई ने जनरेट किया है। दूसरा इमेज टू इमेज, जिसमें साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट को शेप देना है। अब आप जो इमेज क्रिएट करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो 28th ऑफ जून से लेकर 31 जुलाई के बीच में जो भी पोस्टेड इमेजेस होगा वो काउंट किए जाएंगे इस कॉन्टेस्ट में। आपके सभी पोस्टेड इमेज SD3 बेस मॉडल होंगे।
होनी चाहिए। साथ ही HD3 इमेज कॉन्टेस्ट आर्ट और HD3 इमेज कॉन्टेस्ट साइंस फ्रिक्शन से टैग्ड होनी चाहिए। एक इमेज में एक ही इवेंट को टैग करना अलाउड है। अगर आप दो इवेंट को टैग करते हैं तो पहला इवेंट ही कंसीडर किया जाएगा। बाकी टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करना ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, बस पब्लिश करते समय आपको ध्यान रखना है। इस शेयर आइकन पर क्लिक कर पब्लिश टू शेकर पर क्लिक करें, देन इमेज टाइटल देने हैं। इमेज टैग में जैसा मैंने आपको बताया कि कोई एक कॉन्टेस्ट को चुनना है और अगर दो चुनते हैं तो सिर्फ पहला वाला ही वैलिड होगा। यहाँ इमेज को डिस्क्राइब करें और लास्ट में पब्लिश कर दें। आपके द्वारा सभी अपलोडेड इमेजेस का रिव्यू कर अप्रूव किया जाएगा, देन इवेंट टैब में आपका आर्टवर्क शो होने लगेगा। बाकी आप चाहें तो अपने लोकल कंप्यूटर से डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ क्रिएट पर क्लिक कर इमेज को सिलेक्ट कर लें, देन अपने AI जनरेटेड इमेज को अपलोड करें, फिर टाइटल, इमेज टैग जैसा मैं बताया, देन इमेज डिस्क्रिप्शन, फिर पब्लिश कर दें। बाकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऑफिशियल लिंक को चेक करें। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे बताएं, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही AI वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।